Phronesis Investor Academy के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समवर 2080 में हम कहां और कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। लास्ट समवर दैट इज 2079 का अगर आप निफ्टी 50 का रिटर्न्स देखेंगे तो 9.4% का रिटर्न आया था। तो एवरेज रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो रफली 13-14% के आसपास का लॉन्ग टर्म का एवरेज रिटर्न आता है। तो एवरेज रिटर्न से हमारा रिटर्न कम था, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट हुआ है। उससे पहले के साल का अगर आप देखेंगे -1% का रिटर्न था, उससे पहले का साल 40% का रिटर्न था। तो देखिए, कोविड के कारण स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरा था, उसके बाद रैली आया था, उसी रैली में 40% का रिटर्न आया, उसके बाद -1% मार्केट गिरा और उसके बाद 9.4% से मार्केट ऊपर गया निफ्टी 50। तो यहाँ पे अगर आप इन 3 ईयर्स का एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 14% का रिटर्न आया है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट रिटर्न आया है, जो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है उसी के आसपास का रिटर्न जनरेट हुआ है। ये था लार्ज कैप का रिटर्न, जबकि पिछले संवत में अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न्स देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। मिड कैप्स ने जनरेट किया था 32% का रिटर्न और स्मॉल कैप्स ने दिया था 37% का रिटर्न। निफ्टी 50 का 12 मंथ का ट्रेलिंग पी 21 के आसपास है, निफ्टी मिड कैप 150 का ट्रेलिंग पी अबाउट 24.4 के आसपास है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ट्रेलिंग पी 24.7% के आसपास है और निफ्टी माइक्रो कैप 250 का ट्रेलिंग पी अबाउट 27 के आसपास है। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि वैल्यूएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये डिफरेंस इसीलिए आया है कि लार्ज कैप के रिटर्न्स ज़्यादा आए नहीं थे, जबकि मिड कैप, स्मॉल कैप और खासकर माइक्रो कैप के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आए। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लार्ज कैप की जो कंपनीज हैं उसमें ये बात सही है कि जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनीज हो गई हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। लेकिन साथ ही यहाँ पे कैश फ्लोज भी ज़्यादातर कंपनीज का बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा बात है बिजनेस में एक थोड़ा सिक्योरिटी होता है कि भाई थोड़ा बहुत सेल्स ग्रोथ आता रहेगा, प्रॉफिट ग्रोथ आता रहेगा, कैश फ्लोज आता रहेगा। तो ये जो स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन है ना, इस बात को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि भाई जो भी कंपनीज हैं उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी किस तरह का है, किस तरह का ग्रोथ आ सकता है, कैश फ्लोज किस तरह के जनरेट हो सकते हैं। तो जो भी कंपनी कैश फ्लो ज़्यादा जनरेट करेगी, कंसिस्टेंटली करेगी, उसका वैल्यूएशन आइडियली थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जबकि अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को देखें तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल रिलेटिवली तो ज़्यादा होता है लार्ज कैप के मुकाबले, काफ़ी सारे स्टॉक्स में, सभी का तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर स्टॉक्स में यस, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा आता है, सम केसेस काफ़ी ज़्यादा आता है। लेकिन साथ ही यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी अगर लार्ज कैप के मुकाबले देखें तो बहुत कम है। लार्ज कैप्स में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आप काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि नहीं, इस तरह का सेल्स ग्रोथ आ जाएगा, इस तरह का प्रॉफिट, क्योंकि ऑलरेडी उनका बिजनेस सेटअप किया हुआ है, हम सालों से देख रहे हैं, इस तरह का कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट कर लेगी। मार्केट में ओवरऑल थोड़ा प्रॉब्लम भी आता है तो उसे भी ये कंपनी झेल लेगी। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं उनका सिक्योरिटी बहुत कम होता है कि जो एक दो साल जो उन्होंने जनरेट किया अगले साल आएगा कि नहीं, सेल्स ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉफिट ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा। कैश फ्लोज भी देखिए, ये जो छोटी कंपनीज हैं या तो काफ़ी कम जनरेट करती हैं या फिर ज़्यादातर केस में जनरेट भी नहीं करती हैं। तो इसीलिए अगर आप वैल्यूएशन देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं कोई ऐसी कंपनी है जो कि छोटी कंपनी है लेकिन सालों से काफ़ी अच्छा ग्रोथ जनरेट कर रही है, थोड़ा बहुत कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है, तो वहाँ माना जा सकता है कि चलिए थोड़ा हम वैल्यूएशन ज़्यादा दे देंगे। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ को तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देने का मतलब नहीं बनता है। इसीलिए जब इतना बड़ा वैल्यूएशन गैप हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में, तो बिल्कुल वो एक कंसर्न होना चाहिए। तो वैल्यूएशन वाइज देखें अगर तो लार्ज कैप्स थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है। ये जब 18-19 के रेंज में आता है तो जनरली हम उसे फेयरली वैल्यूड बोलते हैं, तो थोड़ा ओवर वैल्यूड है। उसी तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और माइक्रो कैप तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। सो नाउ, अगर किसी इन्वेस्टर को स्टॉक्स में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वो कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो सबसे पहले हम स्टॉक इन्वेस्टिंग को समझ लेते हैं। तो देखिए, स्टॉक इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आप खुद ही फंड मैनेजर हैं, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद ही मैनेज करते हैं। तो डायरेक्ट इक्विटी में आइडियली तभी हमें जाना चाहिए जब हमें मार्केट्स का आइडिया है। अगर किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तब तो डायरेक्ट इक्विटी में हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें? तो देखिए, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वेरी हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए, ये आप हमेशा ध्यान में रखें कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं, इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ले रहे हैं,
इसीलिए कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप एफडी कर सकते हैं या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इक्विटी में इतना ज़्यादा रिस्क लेकर आपको वेरी हाई रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पे हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए आप हमेशा ध्यान में रखें कि आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना होगा। अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो ऐसा है जिसमें कि आप 40, 50, 60 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तो कोई मतलब नहीं है डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। उससे अच्छा आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर ले, वहाँ पे कोई दूसरा फंड मैनेजर आपका इन्वेस्टमेंट देखेगा, आपके लिए हेडेक भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप उस तरह के सो मेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान में रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज कैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है, आपके पास कॉर्पस किस तरह का, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन सब के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत छोटा है तब तो 5 स्टॉक्स भी सफिशियंट है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपना नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा आइडिया है तब तो आप काफ़ी कम स्टॉक से ही अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन हाँ, मार्केट का अगर आइडिया कम है तो वहाँ पे थोड़ा सा आप स्टॉक्स और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि रिस्क को थोड़ा कम किया जा सके। तो देखिए, बेसिस योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, योर इन्वेस्टमेंट होराइजन और एक्सपर्टाइज, रफली अगर आप पूछा जाए तो 5, 10, 15, 20 इस तरह के नंबर ऑफ स्टॉक सफिशियंट है। अगर पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है तब तो 15-20 स्टॉक्स सफिशियंट है, पोर्टफोलियो बहुत छोटा है तो अबाउट 5-10 स्टॉक्स सफिशियंट है। सपोज किसी को 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे तो अबाउट 10 स्टॉक्स बहुत हुए हैं, उससे ज्यादा स्टॉक्स रखने का मतलब नहीं बनता है। ऑफकोर्स ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि इन्वेस्टमेंट नॉलेज, इन्वेस्टमेंट होराइजन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रिस्क प्रोफाइल, तो वो तो बिल्कुल वेरी करेगा। बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखें, देखिए, हर एक स्टॉक्स में आपको इतना पैसा तो इन्वेस्ट करना ही होगा कि अगर वहां से वेरी हाई रिटर्न्स आए तो उसका कुछ फर्क पड़े आपके पोर्टफोलियो पे। अगर आप हर एक जगह बहुत छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको 200-300% का भी अगर रिटर्न आता है तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस तरह का पोर्टफोलियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये ट्राई करें कि जिस भी स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा लें। ऑफकोर्स यहाँ पे रिस्क है, अगर वो स्टॉक गिर गया तो आपका पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट होगा, लेकिन बात यही है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अगर हाई रिटर्न चाहिए तो, अगर रिटर्न नहीं चाहिए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर हाई रिटर्न चाहिए तो हर एक स्टॉक्स में आप ट्राई करें कि अच्छा खासा एलोकेशन लें, ताकि अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है, काफ़ी ऊपर जाता है, तो उसके कारण जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है उस पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव असर पड़े और आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। जब भी हम स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वहाँ पे जब भी उन स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो वहाँ पे आप ज़रूर चेक करें उसे, वो बहुत ज़रूरी है। उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट, उनका बैलेंस शीट और उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये तीनों ही चेक करना है। जनरली हम सिर्फ प्रॉफिट और सेल्स देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं, ये सही तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो देखना है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों चीज़ों को आप ज़रूर चेक करें हर एक क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे कि ये जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो किस तरह का परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस का क्वालिटी क्या है, और ये जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है सही में वो प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप एटलीस्ट क्वार्टरली जब भी रिजल्ट्स है उस समय जरूर चेक करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट्स का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो वहाँ पे स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स को अवॉइड करें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। ट्राई करें कि कुछ लार्ज कैप और अच्छे क्वालिटी के मिड कैप्स तक ही अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखें। हाँ, अगर आपको मार्केट्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज है तब बात अलग है, तब आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि जनरली जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो टर्न राउंड स्टोरीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर कोई स्टॉक लग रहा है अचानक उसका प्राइस ऊपर जाने लगता है और फिर वो सुनते हैं कि नहीं, ये टर्न राउंड स्टोरी है, यहाँ पे आने वाले समय में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा आएगा, इन्हें और ऑर्डर्स मिलेंगे या सेल्स बढ़ेगा। तो देखिए, आइडियली स्मॉल इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को जिन्हें मार्केट का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, इन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद ये क्लियर होगा कि नहीं भाई, जो हम सोच रहे थे कि सेल्स ग्रोथ आएगा, प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, कैश फ्लो जनरेट होगा, वो नहीं हो रहा है, तो धड़ाम से स्टॉक्स फिर से वापस गिर जाएंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान में रखें, इन चक्रों में नहीं पड़े। इनफैक्ट बहुत सारे हाई क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है, थोड़े स्मॉल कैप में भी है, हाई क्वालिटी के, जहाँ की लंबे समय से अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ रहा है
और उनका जो बिजनेस है उसे देखकर ये भी लगता है कि फ्यूचर में भी आता रहेगा। तो आइडियली हमें रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह के स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहिए, यहाँ भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आएंगे और डाउनसाइड रिस्क रिलेटिवली थोड़ा कम होगा। सबसे बड़ी बात, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो कभी भी रिप्लीकेट नहीं करे। यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है कि वो कब अपना स्टॉक बेच देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ा रिस्क है। उसने जब खरीदा वो तो आपको पता है, लेकिन जब वो बेचेगा वो आपको बिल्कुल भी मोस्टली पता नहीं चलेगा। इसीलिए ऑफकोर्स एक्सपर्ट्स का जो स्टॉक पोर्टफोलियो आप चेक करें, वहाँ पे अगर आप सारे डिटेल चेक करते हैं, कोई स्टॉक लगता है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है, ऐड किया जा सकता है तो ऐड करें, लेकिन आप उस एक्सपर्ट के भरोसे ऐड नहीं करें। आप ऐड करें और स्टॉक को आप रिव्यू करें रेगुलर इंटरवल पे, और जब तक वो स्टॉक का परफॉर्मेंस आपको लगता है कि ठीक चल रहा है तो ठीक है, और अगर इश्यूज आते हैं तो आपको खुद का कॉल लेना होगा। आप फिर से वहाँ वेट नहीं करेंगे कि मैं देखूंगा वो एक्सपर्ट उस स्टॉक का क्या करता है, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम्स आएंगे। नाउ अगर कोई इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है या करना चाहता है तो वहाँ पे ज़्यादा हेडेक्स नहीं है। वहाँ पे फंड मैनेजर्स आपके पैसे को मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे देखिए सिर्फ आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, इन्वेस्टमेंट होराइजन पता लगाना है, गोल्स के बारे में एक रफ आइडिया लेना है, और वहाँ पे कुछ अच्छे क्वालिटी के फंड्स को सेलेक्ट करके, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा फंड्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उससे अच्छा है 2-3 इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। वहाँ भी 3-4-5 फंड्स बहुत हैं, तो अगर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो मे बी 5-6 फंड्स और डाइवर्सिफाइड अलग अलग कैटेगरीज के, तो वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं और वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फंड मैनेजर को दिमाग लगाने दें। आपने अच्छे फंड्स को सेलेक्ट किया बेसिस योर रिक्वायरमेंट और वहाँ पे लंबे समय तक बने रहें, हमेशा डेली बेसिस पे डिटेल्स नहीं चेक करें। अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि काफ़ी कस्टमर से हम इंटरेक्ट करते हैं और उनका परफॉर्मेंस अगर पोर्टफोलियो का देखते हैं, तो उसके आधार पर मैं ये आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि 3-4 महीने में एक बार देख लो, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो हम रेगुलरली पोर्टफोलियो देखते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, वहाँ पे थोड़ा भी अंडर परफॉर्मेंस आता है तो कई बार आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को बेच देते हैं, कोई दूसरा फंड अच्छा करा है वहाँ पे खरीद लेते हैं और फिर उसका ही परफॉर्मेंस डाउन होगा, आप नया खरीदेंगे। तो ये खरीद बेच जो आप कर रहे हैं, एक तो वहाँ पे आपका कंपाउंडिंग में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब आप बेचते हैं तो कई बार इमीडिएटली खरीदते नहीं हैं, कंपाउंडिंग का प्रॉब्लम आया। उसके बाद ऑलरेडी कोई फंड काफ़ी समय से अच्छा कर रहा है तो वहाँ पे आप जाकर इन्वेस्टमेंट करें तो ऑलरेडी वो अच्छा रिटर्न आ चुका है, कुछ समय के बाद शायद वो अंडर परफॉर्मेंस उसका शुरू होगा, क्योंकि कोई भी फंड लगातार सालों तक अच्छा नहीं दे सकता है रिटर्न, अंडर परफॉर्मेंस आएगा। इसीलिए कुछ अच्छे फंड्स को सेलेक्ट करें, लॉन्ग टर्म तक बने रहें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से पोर्टफोलियोज को चेंज नहीं करें। अगर वो फंड अच्छा है, लॉन्ग टर्म का अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी कंपनी का फंड है, फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म तक बने हुए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 2-3-4 साल से अंडर परफॉर्मेंस लगातार चल रहा है, फ्यूचर में भी नहीं लग रहा है कि कुछ होगा, वहाँ पे कॉल लिया जा सकता। सो ओवरऑल जो भी डिटेल्स अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके आधार पे ऑफकोर्स ये क्लियर है कि लार्ज कैप्स में लास्ट फ्यू ईयर्स में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आया है, मोस्टली मार्केट के कई एवरेज रिटर्न के आसपास ही है। तो यहाँ से ऑफकोर्स वैल्यूएशन वाइज कोई मेजर कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा आया है, वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, तो वहाँ ऑफकोर्स ये कंसर्न है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ऑल तो मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन अगर आप पास्ट में देखेंगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रह चुका है, ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होता है। इसीलिए मार्केट्स में हमेशा बोला जाता है कि आप स्टे इन्वेस्टेड रहें, मार्केट से नहीं निकले, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता, हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ से और ज़्यादा रैली कर जाए और ज़्यादा रिटर्न आए, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होंगे, तो जब भी इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू करेंगे तो वहाँ पे ये जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं जहाँ की बहुत कोई खास रिटर्न्स नहीं आ रहा है, तो उम्मीद है कि वहाँ पे इनका रिटर्न्स थोड़ा ऊपर आएगा। और साथ ही अगर ये इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होते हैं और अच्छा खासा बुल रन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक से भी अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद हम कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।